डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं पटवारी और कानूनगो संघ। जो ये पटवारी और कानूनगो महासंघ का जो मांग है, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। अगर इनकी ये गैर संवैधानिक मांग मानी गई तो उपायुक्त कर्मचारी महासंघ भी कि हमारा जो कोटा है इसको 20% से 40% किया जाए। हम लोग एक डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होते हैं। उसके लिए हमारे लिपिकीय वर्ग जो वरिष्ठ सहायक से बना होता है उसके पास एज ए रीडर, एसटीएम के रीडर, तहसीलदार के रीडर तथा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट पे तथा अन्य विभिन्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हुए एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद, डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद और लगभग 6-7 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद ही हम लोग इस पद पे आते हैं। तो जो ये पटवारी और कानूनगो महासंघ का जो मांग है, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को ये अवगत करवाना चाहता हूं कि अगर इनकी ये गैर संवैधानिक मांग मानी गई तो उपायुक्त कर्मचारी महासंघ भी, जो आज तक सरकार का हर तरह से साथ देता आया है, अन्य जैसे कि हड़ताल तथा काली बिल्ली लगा के या स्ट्राइक, अन्य जो भी रास्ते होते हैं उसको अपनाते हुए विरोध प्रकट करेगा। तो हमारा आपके माध्यम से गवर्नमेंट से भी एक ये अनुरोध है कि कृपया जो मॉडलिटीज हैं जो आपने स्टेट कैडर की बनाई है उसको जल्दी जारी करें या स्टेट कैडर को वापस लें, जिला कैडर में दोबारा लें, तथा जो हमारे नायब तहसीलदार के पदोन्नति पे जो ये डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं पटवारी और कानूनगो संघ, इस पर बिल्कुल विचार न किया जाए। थैंक्स मनीष गुलेरिया जी ने जैसा कि सारे तथ्य रखे और सरकार से गुजारिश की है कि हमारा जो स्टेट कैडर किया है, पिछले साल अक्टूबर में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें पूरे प्रदेश के जितने भी जिला में उपायुक्त कार्यालय में जितने भी कर्मचारी कार्यरत है उनको प्रदेश सरकार के अंदर DLR के अंदर स्टेट कैडर किया था। तो उसके बाद हमारे संघ ने विभिन्न उपायुक्त कार्यालय उपायुक्त के माध्यम से सरकार को मेमोरेंडम दिया, मंत्री से मिले और एडिशनल ACS रेवेन्यू से मिले, उनको पूरे ब्रीफ में बताया कि हमारा अगर स्टेट कैडर हो जाता है तो इससे हमारे को क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान इन द सेंस जैसे हमारी सीनियोरिटी, सबसे बड़ी जो सीनियोरिटी जो होगी वो स्टेट कैडर में होते ही बहुत ही मतलब कि बहुत नीचे हम लोग चले जाएंगे। तो स्टेट कैडर साथ में फिर हमारा जो महासंघ है, महासंघ ने ये भी डिसीजन लिया, ठीक है आप ये जिस तरह से राजस्व मंत्री जी का कहना था कि ये जो हमने फैसला लिया है, ये फैसला हमने जनहित में जनहित को देखते हुए लिया है, ठीक है आपका फैसला है जनहित में आपने लिया है, आप उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी को भी स्टेट कैडर में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपकी जो मॉडलिटी होनी थी, जो आपका डिटेल में जो इसमें आपकी तरफ से निकलना था तो वो अभी तक हमारे को मिला नहीं है, जो भी SOP आपकी होनी थी वो अभी तक हमारे को मिली नहीं है। तो ये जो SOP है वो हमारे को जल्दी दे। उसके बाद साथ में हमारी ये भी गुजारिश रहेगी, आपने अगर स्टेट कैडर करना है तो ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी की उपायुक्त में ही पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में ही रहने दे, जिससे ना तो सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई वित्तीय बोझ बढ़ेगा और ना ही कर्मचारियों की जो सीनियरिटी है या दूसरे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई आंच आएगी। तो मेरा पुनः आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश रहेगी कि आप हमारे जो स्टेट कैडर का जो आपने फैसला लिया है इसके ऊपर पुनर्विचार करें। आपको लगता है कि स्टेट कैडर जनहित में आपने किया है वो ठीक है सभी मायने से, तो ठीक है, तो सिर्फ एक गुजारिश इसमें यही रहेगी कि आप हमारा स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन डिटेल SOP जो जारी करें और इसमें ये प्रावधान रखें कि जो भी हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको कंसर्न उपायुक्त ही रखें। धन्यवाद। और साथ में मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ, सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ कि जो हमारा
नायब तहसीलदार कैडर में 20% का कोटा है, वो आज से नहीं है, अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से है, तभी से है। तो इसमें जो हमारे साथ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवारी और कानको संघ के जो कर्मचारी हैं, वो इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं कि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। 20% जो कोटा रहता है हमारा प्रमोशन के लिए, तो वो भी पटवारी और कानको संघ को ही या उनके कर्मचारियों को ही दे जाए, तो इसका भी हमारा संघ जो है इसका विरोध करता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मनीष गुलेरिया जी अध्यक्ष उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ ने बताया कि अगर हमारी जो पदोन्नति होती है तो ये प्रॉपर एक आरएनपी रोल या टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। हम डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उस पोस्ट पे जाके आसीन होते हैं। तो हमारा सरकार से ये गुजारिश है कि हमारा जो कोटा है इसको 20% से 40% किया जाए। धन्यवाद।